हिमाचल प्रदेश वन विभाग द्वारा पौधारोपण की प्रक्रिया शुरू कर ली गई है। इसी के चलते हमीरपुर में पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वन विभाग द्वारा हर साल ही पौधारोपित किए जाते हैं, जिसे वनों के कई हेक्टेयर भूमि पर रोपित किया जाता है। प्रदेश सरकार के आदेशों के अनुसार करीब 1,00,000 पौधे पूरे जिला में 3 दिनों के अंदर लगाने का लक्ष्य रखा गया है। हर साल की तरह इस साल भी सभी स्कूलों कॉलेजों के छात्र छात्राओं ने पौधारोपण कार्यक्रम में भाग लिया और पौधे रोपित किए। वन विभाग के अधिकारी केके गुप्ता ने बताया कि हिमाचल प्रदेश वन विभाग के द्वारा इस साल एक अभियान के तहत पौधारोपण प्रक्रिया की शुरुआत की गई है, जिसमें हर व्यक्ति को पौधे लगाने के आदेश दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि हर साल ही पौधारोपण किया जाता है, लेकिन इस साल 1,00,000 तक पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। वन विभाग हर साल ही पौधे लगाता है, लेकिन इस साल एक हिमाचल सरकार द्वारा नया कैंपेन शुरू किया है कि एक अभियान के तहत ये पौधे लगाए जाएंगे। तो हमीरपुर वन वृत्त में ये पूरे 1,33,600 पौधे जो हैं वो 3 दिन में रोपित किए जाएंगे। आज, कल और परसों 3 दिन में ये इतने पौधों का हमने टारगेट रखा है, जिसको हम अचीव करेंगे। जगह जगह से लोग हमें अप्रोच कर रहे हैं कि हमें भी इंक्लूड करो, हम सभी को इंक्लूड कर रहे हैं साथ में। छोटे छोटे बच्चे आप देख रहे हैं, छोटे छोटे बच्चियां भी आई हुई हैं यहाँ पे ये पौधा रोपण करने के लिए। ये कहना ठीक है कि ये जितने हम पौधे लगाते हैं 100% नहीं रह पाते, लेकिन फिर भी हमारी सर्वाइवल परसेंटेज जो है 80% से ज्यादा है। पौधे हम हर साल लगाते हैं, लेकिन हमारे हिमाचल की इतनी आबादी है जो कि वनों के ऊपर भी निर्भर है, तो उनकी रोजमर्रा की जरूरतों को भी पूरा करते हैं ये वन। इस हिसाब से हर साल अगर आप वो फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट देखें तो हर साल हमारे वन जो है बढ़ रहे हैं, वन क्षेत्र जो बढ़ रहा है।